एडवांस एक्सेल की सीरीज में लास्ट वीडियो में हम क्लिपबोर्ड और पेस्ट स्पेशल डिटेल देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉन्ट और अलाइनमेंट, जिसमें हम मर्ज एंड सेंटर रैप टेक्स्ट क्या है वो भी देखेंगे। मैं यहाँ कुछ डेटा टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया रिलायबल और इंटर प्रेस किया तो सेल चेंज हुई। फिर से इस सेल में वर्क करना है यहाँ पे क्लिक करते हम, और इसमें कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे टू टाइम्स क्लिक करते या फिर इस फॉर्मल बार पे यहाँ क्लिक करते और स्पेस प्रेस करके फिर से कंटिन्यू टाइप करते, तो इस तरह हम वर्क करते हैं। अगर हमको यही चीज़ शॉर्टकट तरीके से चाहिए तो हम जो नेविगेशन की रहती है उसमें से अप एरो की प्रेस करेंगे और एफ टू की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा और हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब हम इसको कलर देना चाहेंगे तो यहाँ से कलर दे देंगे, जो भी कलर देना है यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं आप, मोर कलर में से भी कलर ले सकते हैं, जो भी कलर देना है उस पर क्लिक कीजिए। देन बैकग्राउंड कलर जो है टेक्स्ट सेल कलर यहाँ से ले सकते हैं हम, इस पर टू टाइम क्लिक करें तो ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्ट हो जाता है कंटेंट के हिसाब से। यहाँ से फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, फिर से इस पर टू टाइम्स क्लिक करें तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। यहाँ से मैन्युअली फॉन्ट चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट करके। अब यहाँ 20 है, 22 हमको 21 चाहिए, यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे 21 और इंटर। यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसमें बॉर्डर। तो अभी आप देखिए कि हमने जो एक टेक्स्ट लिए थे उसको यहाँ से फॉन्ट कलर सेल फिल कलर फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दे चुके। अब बॉर्डर क्या होता है, अभी इसको कुछ भी बॉर्डर नहीं है, पहले हम इसको ये कलर को नो फिल कर देते। अब देखिए कुछ भी बॉर्डर नहीं है, मैं इसको बॉटम बॉर्डर देना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं बॉटम में एक बॉर्डर आ चुकी है। टॉप बॉर्डर चाहिए मुझे, देख सकते हैं टॉप। तो इस तरह आपको किस टाइप की बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, तो आप इस तरह बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप बोलिए नो बॉर्डर, सिलेक्ट होना चाहिए, देख सकते हैं आप बॉर्डर रिमूव हो गई। आपको कंप्लीट बॉर्डर चाहिए तो आप इस तरह ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, ये तब करेंगे आप अगर इस तरह सेलेक्ट करें ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इस तरह पूरी बॉर्डर आ चुकी है। अब ये बॉर्डर इसलिए लेते हैं हम कि जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट में जाएंगे प्रीव्यू करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं जहाँ बॉर्डर दिए वही दिखाई दे रहा है, बाकी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल ये जो होती है ग्रिड लाइन होती है, और ये ग्रिड लाइन ये जो बेसिक है पूरा मैं मेरे लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, होम कंप्लीट होम टाइप की एक वीडियो बनी हुई है एक्सेल में, वो भी आप देखें तो आप कंप्लीट बेसिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें एडवांस एक्सेल देख रहे हैं तो मैं आपको बेसिक नहीं बताया हूँ, लास्ट वीडियो में अवेलेबल है। तो हम जब यहाँ पे क्लिक करें प्रिंट प्रीव्यू में गए तो हमको आप देख सकते हैं जो हम रिलायबल सॉल्यूशन टाइप की तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसलिए कि हमारा पेज यहाँ से फिनिश हो गया है, यहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट हुआ है। तो हम नेक्स्ट आगे ये भी देखने वाले कि इसको जो हम सेटिंग करते हैं तो इसको एडजस्ट कैसा करते हैं, जबकि लास्ट वीडियो एक है हाउ टू मेक कैलेंडर कैसा बनाते हैं, कैलेंडर जब बनाए हम एक्सेल में तो उसमें आपको बताया कि ऑटोमेटिक सेटिंग कैसा करते हैं प्रीव्यू के लिए और प्रिंट के लिए उसको कंप्लीट फॉर्मेट कैसा सेट करते हैं। तो हम आगे कंटिन्यू देखते हैं, यहाँ से कंप्लीट बॉर्डर, अब इसको मुझे हटा देना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके मैं करता हूँ नो बॉर्डर। अब मुझे आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं, थिक बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, बॉटम में, तो आपको कैसी बॉर्डर चाहिए, मैन्युअली चाहिए, लाइन कलर चाहिए, कैसी चाहिए, स्टाइल कैसी चाहिए, आप पूरी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप कुछ समझ भी नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ से इस तरह सेट कर दिया इसको। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, मैं यहाँ पे कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी सेंटर हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो ये अलाइनमेंट है। अगर मैं सेम यही यहाँ पे नंबर्स टाइप करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ लेफ्ट, तो आप देख सकते हैं अब लेफ्ट है, सेंटर है और राइट है, लेकिन आप जब बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट में ही रहेंगे और कुछ नंबर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक राइट में आ जाएगा। अब इसका यूज़ क्या है, मैं इसको थोड़ा कॉलम रो को बड़ी करता हूँ। अब हमारा लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है,
जब ये सेंटर रहता है तो मुझे इस तरह से रो के हिसाब से सेंटर चाहिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से, देख सकते हैं आप। तो इस तरह यूज है इसका, ये था अलाइनमेंट। नेक्स्ट यहाँ से हम, हमको किस तरह चाहिए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं रैप टेक्स्ट। मैं यहाँ पे रिलायबल टाइप किया, नीचे के लाइन में मुझे सॉल्यूशन टाइप करना है। मैं जब इंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक सेल चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं अभी हम सेल नेम बॉक्स में देख सकते हैं, अब सेल नंबर B4 में है, जबकि रिलायबल जो टाइप किया हुआ है B3 में है। तो हमको बगैर इंटर प्रेस के ऑटोमेटिक सॉल्यूशन नीचे चाहिए, तो हम कैसा करेंगे? अगर मैं फिर भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ या इसको पे क्लिक करके F2 प्रेस करता हूँ और सॉल्यूशन टाइप करता हूँ तो नीचे नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से इसको जब ब्रेक करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कर्सर रख के एंटर करो तो भी नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे क्लिक करना होगा रैप टेक्स्ट पर। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है, कंट्रोल जेड करते हैं तो जो भी आपका डेटा है वो आपको मल्टीपल लाइन में लेना है, तो आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जबकि अगर आप मेरी पूरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको रैप टेक्स्ट का अच्छे से पता होगा कि मैं इसको डेटा को कैसे इससे मैनेज किया था, और मर्ज सेंटर भी आपको बताया था उसमें। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल इंटर, कंट्रोल के साथ इंटर, सॉरी अल्ट इंटर है, अल्ट इंटर से ही आ जाएगा। तो इसके लिए जो शॉर्टकट किया है वो है अल्ट इंटर, अल्ट के साथ आप इंटर की प्रेस करना तो ऑटोमेटिक जो शॉर्टकट हो जाता है विदाउट रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें ऑटोमेटिक ये आ जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर। जब आप इस तरह कुछ फाइल बनाते हो इसको बॉर्डर देते हो। अब आप इसको हेडिंग देना चाहते तो यहाँ पे आप नंबर हेडिंग दे रहे, लेकिन आप इसको सेंटर लेना चाहते तो सेंटर पे आप चाहे कितने क्लिक करो सेंटर नहीं होगा। आपको चार सेल के सेंटर चाहिए तो आप चारों सेल को सिलेक्ट करेंगे इस तरह। सिलेक्ट करने के बाद में आप क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह सेंटर हो चुका है। तो ये था मर्ज एंड सेंटर। फिर से इसको हटाना है तो दोबारा आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेल कन्वर्ट हो चुके हैं। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, आपका सेल जिस सेल में भी डेटा है उसको जो जितने सेल सेलेक्ट किए थे उसके हिसाब से एक सेल में कन्वर्ट करके डेटा को आप फर्स्ट सेल का डाटा उस सेल में कन्वर्ट कर देता है आपको। जैसे यहाँ पे ए है यहाँ बी है, आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो दोनों सेल एक हो जाएंगी और इसमें सिर्फ आपको वन ए दिखाई देगा बी दिखाई नहीं देगा, जैसे मर्ज एंड सेंटर। ओके तो इस तरह। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें वो है मर्ज अक्रॉस और अनमर्ज सेल और मर्ज सेल्स। तो ये तो जो मर्ज कर देते हैं हम उसको अनमर्ज करने के लिए मेन जो है वो मर्ज सेल्स। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं मैं जो ऑटोमेटिक यहां पे नंबर्स लिया हूं, यहां इस तरह से माउस का पॉइंटर रखा हूं, कंट्रोल प्रेस किया हूं और क्लिक करके ड्रैग किया हूं, ऑटोमेटिक नंबर आ चुके हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमको सिर्फ कंप्लीट एक सेल दिखेंगे और वन दिखेगा, देख सकते हैं इस तरह से। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू हुआ, फिर सेलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि हर रो अलग अलग मर्ज हो। पहले क्या हुआ, मर्ज एंड सेंटर से कंप्लीट रो कॉलम एक साथ मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो गए। अब हर रो अलग अलग, ये चार जो रो है चार सेल है, ये चार सेल एक रो में कन्वर्ट होंगी, जबकि मल्टीपल कॉलम एक्सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मर्ज अक्रॉस है। इस पर क्लिक करते हैं हम, ओके बोलते हैं तो आप देख सकते हैं, ओके ओके प्रेस कीजिए, इस तरह से अलग अलग मर्ज हो चुके हैं। तो आप इसको यहाँ से सेंटर ले सकते हैं ऐसा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम देखे हैं फॉन्ट और अलाइनमेंट कम्प्लीटली, और लास्ट वीडियो में हम क्लिपबोर्ड और प्रेस्टीज स्पेशल देख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नंबर के साथ, जिसमें बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। एक सैंपल बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं 0004 01 और इंटर प्रेस करते हो तो ये 0000 पहले नहीं आता है। तो ये इसको किस तरह ला जाता है हम देखने वाले अगले वीडियो में।
जिसमें हम कंप्लीट ऑप्शन देखेंगे, जनरल, नंबर, करेंसी। ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब हम सेटिंग करते हैं तो उस टाइम हमको प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमको ये फॉर्मेट सेंड नंबर्स का यूज़ करना पड़ता है, फॉर्मेट सेल का यूज़ करना पड़ता है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर के साथ।